कोलकाता के बाबूघाट के आउटरम घाट में प्रभुनाथ पटेल द्वारा गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए फल बांटा गया। बिहार नागरिक संघ, भोजपुरी सेवा संघ में फल बांटते हुए प्रभुनाथ पटेल। पटेल बोल रहे हैं, मैं 10 वर्षों से मैं अपने गंगा सागर तीर्थ यात्रियों को एवं साधु महात्माओं को फल वितरण करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आगे हर साल मैं जब तक रहूँगा फल वितरण करूँगा। ये कपिल मुनि की माता का बाबा का आशीर्वाद है, उनका देन है। मैं सभी साल साधु संतों को मैं सेवा करता हूँ और भोजपुरी समाज के जो ये हमारे कैंप लगे हुए हैं ये हमको बहुत योगदान दिए हैं और उनके साथ उनके कैंप में मैं फल वितरण कर रहा हूँ, जिनका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता है, सौजी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनसे आवेदन करता हूँ कि इसी तरह वो हर साल में मेरे को सहयोग करते रहे, मैं अपने तरफ से फल वितरण करता रहूँ। हर बार हम लोग सिद्धवादियों को हम लोग ड्राई फ्रूट फल, एक दिन फल, एक दिन आपकी छोला दही, एक दिन सेव बुनिया, हलवा, हमारे सब कुछ एक साथ मिलकर हम लोग सेवा का प्रदान करते हैं। आज हम लोग का फल का वितरण हो रहा है जो कि हमारे पटेल जी के माध्यम से फल सेवा संघ के तरफ से जो ये दान किया जा रही है, आप लोग हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। फल पट्टी के प्रभुनाथ पटेल के सहयोग से जो आज यहाँ पर फल वितरण किया जा रहा है और उन्होंने हम लोगों को आशा दिया कि प्रत्येक तारीख से बढ़ चढ़ करके जो है फल वितरण होगा। हम लोगों की जो सेवाएँ हो निरंतर जो है फ्राई फूड होगा, कभी भुजिया, कभी जो है कि कचौड़ी, कभी जो है कि चूड़ा दही, कभी खिचड़ी और निःशुल्क जो है यहाँ पर जो है अस्पतालें रात दिन चल रहा है। हम सारे लोगों से जो है कि अपने लिए सहयोग करते हैं और जितने भी पुण्यार्थी हैं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सफल। 3,000 गरीब आदमी आ गए हैं। नगर संचार सेवा के उपाध्यक्ष अपने गंगा सागर यात्रियों का निरंतर सेवा स्टीडी के द्वारा करता हूँ जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर लाखों तीर्थयात्री आते हैं, भोले भट्ट के लोगों को यहाँ से उन लोगों को मिलाने, उन लोगों को संपर्क कराने की व्यवस्था मैं करता हूँ। ये हमेशा सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक निरंतर चालू रहता है। कितने आदमी आपके संस्था में आ गए हैं? जी, ये इस सागर संचार सेवा के जरिए मैं लोगों जितने भी यात्री आते हैं उन लोगों का सेवा इस तरीके के द्वारा किया गया। टीवी में जाएगा, टीवी में जाएगा। इधर से नहीं, उधर पीछे से। हमारा नाम है धर्मेंद्र महतो, बिहार नागरिक एडिशनल सेक्रेटरी हूँ और हम लोग विगत 40 सालों से यहाँ सेवा में लगे रहते हैं
तमाम ढंग का व्यवस्था, खाना पीना रहने का व्यवस्था, चाय पानी या किसी प्रकार से कोई यात्री का दुर्घटना घटना घट गई तो उनका भेजने का व्यवस्था, दवा बीरो का ये तमाम ढंग का व्यवस्था हम लोग आज 40 सालों से यहाँ पर किए जाते हैं। अब तक कितने आदमी आ गए आपकी संस्था में खाने? अभी तकला हमारे संस्था में सुबह हम लोग 6 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तकला घुगनी कचौरी हलवा इसका वितरण करते हैं, चाय का सुबह 10 बजे से कंटिन्यूअर जो है अभी से लेकर हम लोग शाम 10:30 बजे रात तक कंटिन्यू चलाएंगे खाना। संस्था क्या गंगा सागर में भी लगा है क्या? क्या गंगा सागर में नहीं लगती है हम लोग का संस्था, सिर्फ बाबू घाट ही में हम लोग हैं। और भी हम लोग व्यवस्था में है कि गंगा सागर में भी हम लोग का व्यवस्था हो, इसमें हम लोग लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि आगे साल से वहाँ भी स्टार्ट हो जाए। कम से कम हम लोग 40 साल के आसपास हो रहा है। 40 साल संस्था में कितने आदमी आ चुके हैं अब तक? खाने के लिए लोग आ चुके हैं यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं आप लोगों को, कितने लोग आपके पास आ चुके हैं अब तक सेवा प्रदान कर चुके हैं? अभी तो जस्ट 2 दिन हुआ है तो कम से कम तो 500-600 से तो ऊपर ही आ चुके हैं, और आज का तो खैर कोई गिनती अभी हुआ नहीं है, अभी कल तक खाली बात। कब तक आप ये सेवा देते रहेंगे आप लोग? 17 तारीख तक चलेगा सेवा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग किस तरह से और लोगों का ध्यान रख रहे हैं जो बाहर बाहर जाते हैं, क्या क्या इसके अलावा आप लोग किस तरह से उनको मनोबल बढ़ाते हैं गंगा सागर जाने के लिए? हर कोई आता तो सबको ही बोला जब मैं सेवा में हम लोग आप लोग अपना आइए और जांचिए देखिए सेवा जैसे अच्छा लगे उसी हिसाब से आके आप लोग रह सकते हैं, हम लोग सेवा के लिए तत्पर है हर समय। आपका नाम और इसके आप अध्यक्षा बोल दीजिए। मेरा नाम सुलोचना देवी है, बिहारी संघ बिहार नागरिक संघ संस्था का हम लोग मेंबर हैं यहाँ पर के, और हम लोग करीब 40-45 मेंबर हम लोग हैं। हाँ। और सब मिल के अपना अपना सब चंदा जुगाड़ करते हैं काटते हैं, सब मिलजुल के सेवा 24 घंटे सेवा। लेडीज तो नहीं, बाकी सब 40 जन बाकी एक लड़का इनको रखे हैं, यानी 2-4 आदमी 24 घंटे रहता है, बाद बाकी फिर सुबह सुबह हम लोग डेली हम लोग मतलब 24 घंटे चलता रहता है, अदला बदली करके 24 घंटे शिफ्ट बना दिए हैं, चलते रहता है। ठीक है।